चलिए अब पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी के सियासी जीवन पर भी ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। बता दें कि सुखराम चौधरी पांवटा साहिब से विधायक हैं और राज्य बीजेपी किसान मोर्चा के वो उपाध्यक्ष भी बने। तो सुखराम चौधरी के राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे हैं। 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ा और यहां से वो जीते भी। तो वही बता दें कि सुखराम चौधरी 2007 में एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए नजर आए। 2007 में भी उन्होंने जीत हासिल की। जुलाई 2009 दिसंबर 2012 तक मुख्य संसदीय सचिव बने। 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा और सुखराम चौधरी वहां से जीते थे। तो बता दें कि विधायक सुखराम चौधरी ने भी इस दौरान हाईकमान और सीएम जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का विश्वास भी जताया। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, आदरणीय जयराम विकास नेता जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। हमारा मेन उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। हमने विधायक बनकर भी लोगों की सेवा की है और आगामी भी जो सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, लोगों के काम करवाएंगे और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करने का हमारा मिशन।